नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। दोस्तों, आजकल के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी लोगों को परेशान कर रही है तो दोस्तों वह बीमारी है गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या होना। और मैं आपको यहाँ पर पांच ऐसे गलती बताऊँगा जिन्हें लोग हर दिन दोहराते हैं, जिससे पेट में गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला कारण, ज़्यादा देर तक भूखा रहना। यदि आप पिछले कुछ दिनों तक गौर करेंगे, अगर आपको ज़्यादा गैस बनता है तो हो सकता है आप ज़्यादा देर तक भूखे रह चुके हों। नंबर दो, अत्यधिक मात्रा में भोजन करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न शुरू कर लेते हैं, मोबाइल में फिल्में देखने लगते हैं और साथ में खाना खाने लगते हैं। इससे क्या होता है, अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, इससे भी पेट में गैस की समस्या हो सकती है। तीसरा, तीखा या चटपटा भोजन करना, जैसे कि छोले चना भटूरे का सेवन करना। चौथा, ऐसा भोजन करना जो पचने में कठिन हो, जैसे कि मीट, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। पांचवा कारण है, ठीक तरह से चबा करके खाने को न खाना। तो ये पांच ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हर दिन लोग दोहराते हैं, जिससे पेट में गैस बनता है, कब्ज की समस्या रहती है, सुबह सुबह उनका पेट सही से साफ नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गैस को दूर करने का एक बिल्कुल प्राकृतिक और आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपके पेट में चाहे कितना भी गैस क्यों नहीं बना हो, बिल्कुल बाहर निकाल देगा। और इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं और यह बहुत ही सस्ता लेकिन बेहद कारगर घरेलू उपाय है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है एक गिलास। एक गिलास लेने के बाद आपको इसमें पानी लेनी है, कुछ इतनी ही मात्रा में, ठीक है। पानी हल्का सा गुनगुना हो तो बहुत ही अच्छा बात है। पानी को लेने के बाद आपको यहाँ पर इसमें पानी में डालनी है ये दोस्तों लेमन को। लेमन जूस क्या करता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट में दर्द है, मरोड़ है, तो उसे ठीक करने का काम करता है। तो पानी आपने ले लिया, पानी को लेने के बाद ले लीजिए नींबू का रस। तो आप यहाँ पर आधा कटा हुआ लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको एक चीज़ और इसमें डालनी है, मैं उसे बताता हूँ। सबसे पहले हम इसे डाल लेते हैं और वह चीज़ है दोस्तों, मसालों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और वह है दोस्तों एक काली मिर्च। काली मिर्च पेट सही करता है, पेट में अगर गैस बना हुआ है तो गैस को दूर कर देता है, पेट में अगर हल्का फुल्का दर्द है तो दर्द को भी दूर कर देता है। तो आपको काली मिर्च बाज़ार से लेकर के आनी है और इसे थोड़ा सा धूप दिखा देनी है और यहाँ पर लगभग में 7 से 8 या फिर 10 काली मिर्च को लेनी है। लेने के बाद आपको इसे बहुत ही महीन कर लेनी है। कुछ इस तरह से जब ये इतना महीन हो जाए तो आपको इस पानी में इसे डाल देनी है और अच्छे से इसे मिला देनी है। मिलाने के बाद दोस्तों, जब भी आपके पेट में गैस बनता है तब आप इसको पी सकते हैं, नहीं तो आपके पेट में ज़्यादा गैस बनता है तो आप इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे पिए तो पीने के एक घंटे के बाद पानी पिए, आपको बीच में पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपके पेट में गैस नहीं बनेगा, आपके पेट में मरोड़ नहीं होगा, हल्का फुल्का पेट का दर्द है तो अभी दूर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।